वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट एंड किचन। आज हम बनाएंगे सांभर विथ आलू पराठा, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। सांभर के साथ आलू पराठा बहुत यमी लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टमाटर, ऑनियन, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, लेमन, हमारे पास ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। थोड़ा बारीक कटिंग किया है छोटा छोटा, ताकि इसको तड़का लगाने के बाद हम प्रॉपर इसका ग्रेवी बना सकें। टोमेटो पोटैटोज हमने बॉइल किया हुआ है, इसको स्मैश कर देंगे। हम आलू पराठे के लिए मसाला बना रहे हैं। तेल में तमालपत्र और तज लविंग डाले हैं हमने। इसको थोड़ा तेल में ब्राउन होने के बाद, तज लविंग और तमालपत्र के बाद, लाल मिर्च डाल देंगे, राई जीरा डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। जीरा डाला और राई डाला, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसमें आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं। इसको तड़का लगाना बहुत आसान है। हमने जो पोटैटो स्मैश किया हुआ है इसमें, और जो सांभर है इसके साथ, इन दोनों में ये जो मसाला बना रहे हैं इसमें साथ थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। करी पत्ता हमने डाल दिया और लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट हमने डाल दी है। उसके बाद ऑनियंस, इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए ताकि जल्दी से ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो जाए। हल्दी, लाल मिर्च हिलाकर इसको ब्राउन हो जाए, वो थोड़ा सा पानी निकलेगा ऑनियन से वो निकल जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तब तक इसको मीडियम फ्लेम पर रखिए। अभी टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को भी इसमें से पानी निकलेगा, तो इसमें इसे थोड़ा हिलाकर और इसको स्मैशर से थोड़ा स्मैश कर देंगे, ताकि इनमें से जो पानी निकले तो जल्दी से ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। अभी इसी को ही हमें साइड में जो दाल बना के रखी है बॉइल्ड करके, इसमें डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा शुगर डाला है, बहुत नहीं, इसको थोड़ा सा ही शुगर डाला है। देखिए हमने स्मैश कर दिया, बाकी सब तैयार है। और जो पोटैटोज और जो तुअर की दाल बना के रेडी रखी है हमने, इसमें ये दोनों डाल देंगे, इसको डाल देंगे हम मसाले को। देखिए दाल रेडी है और इसमें हमने पोटैटोज डाल दीजिए। दाल में हमने यही मसाला ग्रेवी डाला है। अगर आपको ये वीडियो देखना है सांभर के लिए, मैंने अलग से बनाया है इसको, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। सांभर भी इतना टेस्टी बनता है। इसमें हमने बाहर का जो एवरेस्ट का मसाला सांभर का होता है वो डाला है। अभी हम आलू पराठे के लिए थोड़ा लोट भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल और नमक डालेंगे। रोटी की तरह ही इसका लोट होना चाहिए। थोड़ा सा लास्ट में तेल डाल दीजिए और भून लीजिए अच्छे से। अब उसको बेलना शुरू करते हैं छोटे छोटे रोटी की तरह। अभी रोटी बनके तैयार है। इसमें हाफ पार्ट में ही हम आलू का जो स्मैश किया हुआ मसाला है वो डालेंगे, हाफ में नहीं डालेंगे, हाफ इसको कवर करने के लिए रखेंगे। अभी बनके रेडी है। थोड़ा सा तेल डालकर इसको आप सेक दीजिए, ब्राउन होने दीजिए। एक साथ दो तीन भी आप डाल सकते हैं नॉन स्टिक में, क्योंकि इसका साइज हाफ है।
इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसका सांभर का रेसिपी मैंने अलग से और दोनों का साथ में भी रखा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, आप देख सकते हैं। और ये बहुत आसानी से बन सकता है अगर कोई गेस्ट आया है तो। देखिए अभी कलर भी बहुत ही दिखने में अच्छा हो गया है और खाने में भी फ्रेंड्स इतना ही टेस्टी है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी ये बन के रेडी है, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स।